रोटियां बहुत गोल बनाती है, जिसको भी शादी करनी है संपर्क करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह होते होते मेरी शुरुआत होती है कुरियर्स के साथ। तो अभी मेरा कुरियर आया है, एक और ब्लाउज मंगाया था मीशो से, क्योंकि मुझे बहुत सही लगा पहले वाला ब्लाउज भी। ना कपड़ा लेने का झंझट, ना सिलाई देने का झंझट और ना बाहर जाने का झंझट, ठीक है। तो मैंने एक वाइट कलर का ब्लाउज देखा था तो मैंने वो मंगाया, तो खोल के देख लेते कैसा आया है। यार 250 रुपये में ब्लाउज है, कपड़ा भी सिलाई भी और ऊपर से पैडिंग वाला ब्लाउज, देखते हैं तो अच्छा रहा है। गाइस मुझे आना चाहिए, मुझे लग रहा बड़ा साइज मंगा लिया। ब्लाउज तो अच्छा है बट मुझे साइज बड़ा लग रहा है, तो अपन पहन के ट्राई करेगा। और ये बड़ा साइज आ गया है सच में, देखते हैं 250 रुपये में और क्या ही लोगे। इतना अच्छा पैडिंग ब्लाउज, इतनी अच्छी सिलाई और देखो इतना अच्छा डिज़ाइन, पीछे भी डिज़ाइन है बैक में भी, मस्त आया ब्लाउज। बस इसका साइज मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बाकी देखते हैं। अरुजी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ बस थोड़ा ऐसे ही। सर मैं हो चुकी हूँ रेडी, कांति भाई के लिए मैं रेडी हुई थी। देखो अभी भी ये लगा हुआ है तो अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने निकाला नहीं। तो कांति भाई के सिर्फ 2 एपिसोड शूट किए हैं, क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद दानिश एंड मोइन आ रहे हैं। बहुत टाइम के बाद ये जी टॉक्स के परफॉर्मर्स रह चुके हैं और दानिश मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो ये दोनों आ रहे हैं खाने पर। खाने पर क्या, इफ्तारी पर आ रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं गाइज रमज़ान चल रहे हैं, ठीक है। तो दानिश है, यमी है, तो मैं चाहती हूँ कि चलो इन लोगों का फेस्टिवल चल रहा है तो कुछ अच्छा अच्छा बना के खिला सकूँ, क्योंकि सब लोग अपनी फैमिली से दूर हैं, तो वो एक फेस्टिवल वाला जो फील होता है ना वो फैमिली के साथ ही आता है। तो बस यही है, तो दानिश बहुत टाइम से बोल रहा था कि मैं आता हूँ, तो आज ये लोग आ रहे हैं। तो मेरे को जाना है अभी डीमार्ट, तो फटाफट पहले डीमार्ट जाते हैं, डीमार्ट से राशन वगैरह लेके आना है, सामान लाना है थोड़ा सा, तो अपन चलते हैं, फिर ये लोग आ जाए, फिर मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। और आज मैंने नया वाला सूट पहना है, देखो क्या दावत बिरयानी राइस, आज दानिश आने वाला है, वो स्पेशल बिरयानी बनाने वाला है। दावत, वो दावत देगा हमको? दावत हम दे रहे हैं उसको। अच्छा दो मैगी। बाप रे इतनी सारी मैगी, कल का दिन में पक मैगी। गाइस मेरी की मिस्टेक, नई कंपनी आई है, ठीक है, इसका दही आता है जो हम बड़े बड़े डब्बे लेके जाते हैं, तो आज क्रीम आई है, तो अमूल की क्रीम 68 की, ये 59 की है, अंतर बहुत है और इनका भी अच्छा रहता है प्रोडक्ट, तो आज मैं ये लेके जा रही हूँ। देखो सोने की चम्मच सोने की चम्मचें बिक रही पकड़ने के लिए। ये क्या चीज है यार ये ऐसा? अरे छान के पकड़ने के लिए पकड़ी, छान के पकड़ने के लिए तेल में ऐसे डाल के जो पकड़ना उसको पकड़ो के निकाल दे। मैं तो पहली बार देखा इसे। तो हम जो दही खाते हैं वो मिल गया फिलहाल, मिल्की मिस्ट का, और अच्छा जमता है। ये वाला है मिल्की मिस्ट, देखो 1 किलो है 72 का। बहुत ही ज़्यादा भीड़, कहाँ गई गूंज, यहाँ है। हम भूल गए थे आज संडे है और संडे को भीड़ रहती है बहुत ही। ये देखो भाई लाइन लगवा के आया, स्कूल बंद हो गए हैं इसके। ओ मम्मा तू तो कटोरा कट, कौन सा कटोरा रख के कटवाया? क्या चाहिए बोल तो सही। आइसक्रीम किसने बनाई? टीवी देख रहे हो? हाँ जी क्या हुआ? आपको बुला रही थी। मेरे को बुला तो रही थी, पता है मेरे को। आज फिर से शॉपिंग। ये किसके कुर्ते हैं? जन्म के। अच्छा लग रहा है, पिंक कलर, वाइट भी अच्छा लग रहा है। इनमें तो एक पजामा भी चल जाता नहीं, ये क्रीम है ना तो वाइट अच्छा नहीं दिखता। हाँ या तो फिर यही क्रीम दोनों पे, तो जन्म बोलता नहीं मुझे इसके नीचे वाइट चाहिए। बेबी
मेरे लिए भी कुर्ता लाते, बड़े बच्चे पहनते हैं कुर्ता। मम्मा मेरे पास भी कुर्ता। हाँ तेरे पास भी कुर्ता। ये देवी करके आ रही है इसे पानी। आइसक्रीम खाने कैसे आ गया देखो ये। यार तू भी क्या उल्लू बना के दोनों रख इसकी भैया की। ये खा के ऐसे रख दे रही है यार। मैं इसको क्या करूँ? वो इतनी मेहनत करके पानी में डाल के रखी थी इसको। बी ये आरव की नजर में दोष है। आपकी आइसक्रीम में दोष नहीं है, आरव की नजर में दोष है। अरे यार अंदर कहाँ वापस? अरे निकल गया अरे काल दोबारा इसी को पकड़ लूँगा। बस लाओ दे। वाह 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 वाह। देखा आइसक्रीम खाने आ गया देखो ये आदमी। ओ नीचे का वो वापस देना है। एक नंबर ये लग रहा है मैं ये भी खा लूंगा। तो भैया आज हमें मिल रही है यह दानिश। हेलो गाइज मेरा नाम दानिश है। और दानिश को तो लोगों ने बहुत देखा है पोएट्री वगैरह, बहुत अच्छे पोएट है और राइटर है और कुक भी बन गए हैं। ये बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है एक्चुअली। जब मैं नॉनवेज खाती थी तो हमेशा ये मुझे बिरयानी बना के खिलाता था, बट आज ये औरों के लिए बना रहा है क्योंकि मैंने छोड़ दिया तो अब ये बना रहा हूं। वो इन्हें छोड़ दिया। यस तो भैया ये थोड़ी देर बन रही है यहाँ पे बिरयानी। तो अभी जो है नॉनवेज को किया जा रहा है मैरिनेट। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा इसको हम रख देंगे। हाँ और बहुत सारे प्रोसेस हैं। बाकी पूरा प्रोसेस नहीं बताएंगे ना हमारी बिरयानी का। सीक्रेट क्या हमें कोई सीक्रेट होता है भाई हर किसी के बनाने का। और बेसिकली सबसे बड़ी बात था इस बिरयानी की क्या बात है। हाँ इस बिरयानी को बोलते हैं कच्चा गोश्त बिरयानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ ऐसे बनाना तो ये कच्चा रह जाएगा खाने में। नहीं इसको ना हम पकाएंगे नहीं, बस चावल के आधा जो पका चावल होगा उसके साथ बनाएंगे तो इट विल बी लाइक उसी के साथ बन जाएगी। ओके okay. तो दानिश ने अभी बताया कि इसलिए सीखी थी अपनी सास को इम्प्रेस करने के लिए। सास नहीं लड़कियों को बहुत सारी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने सीखी थी और बहुत सारी लड़कियां भी मैंने इससे पटाई हैं। तो आप सभी अगर लड़कियां पटाना चाहते हैं तो बाबा दानिश का ज्ञान ले ये वाली बिरयानी सीखे और बना दे सबको अपना फैन दर्ज। कांदा कट चुका है बारीक बारीक। और मूंछ को लगा दिया साफ से। हमें लोहे की कढ़ाई में थोड़ा टाइम रखो ना जंग लग जाता पता नहीं क्यों। लोहे के बर्तनों में होता है। और जंग को हटाने के लिए हमारी गूंज जी तोड़ मेहनत कर रही है। गूंज ने इको अपनी इको पावर का शक्ति का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो इस कढ़ाई में प्याज फ्राई होगा और क्या क्या एक बुजुर्ग शायर आ रहे हैं उनके एहतराम में हम ये सब कर रहे हैं। अभी एक बुजुर्ग शायर आएंगे। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला है डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि लाइफ टीस खिलाया जाए। अरे पहले बता दो नली ला दीजिए। और उसी दर्द की वजह से उनकी शायरी में थोड़ा दर्द आता है। लोग शायरी सुन के आह करते हैं। ये आह करते हैं ये करते आह करते हैं ये आंख भी मार देते क्योंकि इन्हें हक है। देखा मेरे डराने की स्पेशलिटी है, लोगों को डराता हूँ मैं। और यहाँ पर बन रही है पकौड़ियाँ। प्याज फ्राई क्यों? ये उसमें बीच बीच में ऊपर से तब से इन लोगों ने भूमिका बता रखी है। कोई बुजुर्ग आ रहा है कोई बुजुर्ग आ रहा है, बताइए क्या है कैसे एकदम। गूंज अफवाह फैला के रखती है झूठी। अरे तुम्हें नहीं पता अंदर की न्यूज़ है कितने बुजुर्ग है हमें। इनके साहब के देवानंद साहब स्वर्ग सिधार गए। याद आई मम्मी की कह रहा कसम से मम्मी। हाँ घर पे दो दिन से पकौड़ियाँ बनाता हूँ। वाह बहन कुछ करती है काम तो मोहन भाई जरा आपके हाथ की पकौड़ी खाई तो मेरी बहुत अपेक्षा है। तो इतना
पतले क्यों हो गए पहले बताओ, किसके गम में डूबे पड़े? गम में कुछ नहीं, एक तो मोहब्बत था ही लगा हमारा, माशाल्लाह रोजे पूरे, वाह। और दूसरी बात, फिर डेढ़ महीना हो गया जिम छोड़े हुए, क्योंकि रमजान में डाइट नहीं हो पाती, तो बस ये। और ऑफिस का जो मेरा टाइम है वो ऐसा है, सुबह सुबह 2:30 बजे, सुबह 3 बजे, तो वो चीज होती, तो बस वो थोड़ा सा असर है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो जिम विम और डाइट वाइट दोबारा शुरू हो जाएगी। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खाओ खाओ खाओ। पिताजी कल किसी से कह रहे थे मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। लोगों को लगेगा ये पकाया हुआ, लेकिन ये बिल्कुल भी पकाया नहीं हुआ। हाँ ये बिल्कुल कच्चा है गाइस, दानिश की मेहनत। और आज से बिरयानी का एक धंधा भी शुरू कर रहे हैं। इधर राइस देखो, देखो यही होता है गाइस बिरयानी का, कि राइस बिल्कुल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब आपको निकालना है, कितना पक गया है, कितना उसमें जाने के बाद पकेगा, क्योंकि ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो बिरयानी ख़राब। तो भाई इधर गए इसमें कलर, येलो ग्रीन एंड वाइट तो राइस है ही। बिरयानी खाने के लिए संपर्क करें 005115 और इस पे जाएंगे नींबू की स्लाइसेस। नींबू की स्लाइसेस से पहले हम डालेंगे इस पे थोड़ा सा घी। ओके, ये लो शुद्ध देसी घी, घर का शुद्ध देसी घी, गूंज अपने घर से लाई थी, खुद अपने हाथों से बनाया था। जिस गाय का ये घी है, उस ये गाय का नहीं, भैंस का है, गाय का चाहिए? नहीं, जिस भैंस का ये घी है, ये जंगली भैंस का घी है। अच्छा, जिसे खा के आप शेर को टक्कर दे सकते हैं। वाह। और इसी के साथ हम यहाँ पे नींबू स्लाइसेस, घी को बीच में कर, बाकी तो अपने आप पिघल जाएगा, अपना काम करेगा, हमें इसका काम करने की जरूरत नहीं है। वाह। और इसी के साथ इस पे आ जाएंगे कुछ कैसे कैसे, ओ माय गॉड, दानिश तू और मैं किचन खोल लेते हैं, किचन खोल रहे हैं। नॉन वेज का तू संभालना, वेज का मैं संभालूंगी, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सब मेरा डिपार्टमेंट। गूंज रोटियां बहुत गोल बनाती है, जिसको शादी करनी है संपर्क करें। बर्बादी होती है गाइस शादी नहीं करना, नहीं, गलत बात है, गलत चीज सिखा रहा है। अगर लड़की है क्या, वो गोल रोटियां बनानी आती है, तुरंत शादी कर लो। तो हमारी गूंज बड़ी हो गई है, जहेज का सामान हम जुटा चुके हैं। मैं कहां बड़ी हो गई, देख मैं कितनी छोटी हूँ। जहेज का सामान हम जुटा चुके हैं, बस मुझे याद रखना हूँ, तुरंत संपर्क करें, तुरंत संपर्क करें, दानिश आके ऐसी बिरयानी खिलाएगा मेरे पति को। तो भाई खाना वाना हो गया है, इधर दानिश ने, इस लड़के को इतनी हिम्मत है, ये देखो ये पोएट्री रिकॉर्ड करने का जज्बा अलग ही होता है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने रील काट के नहीं डाल दिया। मेन मुद्दा ये है कि इसके पास रील नहीं है डालने के लिए, इसलिए इसे पोएट्री शूट करनी है। वाह रे वाह, तेरी सच्चाई को सलाम है, वही तो, वाह देख रहा है रहा। जब से वो गया है, वाह वाह वाह, शहर सुनसान हुआ है। वाह, जब से वो गया है शहर सुनसान हुआ है, अकेले मेरा नहीं सबका नुकसान हुआ है। वाह 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 वाह, पूजा ले गए। कौन कहता है सफर आसान होना चाहिए, इश्क में थोड़ा सा तो नुकसान होना चाहिए, और इश्क में भी ढूंढ लूंगा, बस मेरी एक शर्त है, जो मेरा महबूब हो नादान होना चाहिए। भाई ये इतना बड़ा ईटा जो रखा था, तो ये ईट बहुत जरूरी होती है, जिसके घर में ये ईट नहीं हो वो बिरयानी नहीं बना सकता। अब हम उठा रहे हैं पर्दा, और इसका एक एक कतरा, एक एक मजेदार, सब कुछ पक गया अच्छे से। मिर्ची के अचार देखा इसने कैसे ठूस ठूस के डाले, मिर्ची के अचार की कब्र हमने बनाई थी, देख जो ये टूट चुका है, टूट चुकी है, ये देखिए। कैसी बनी आ रहे हो? बहुत अच्छी बनी है। दानिश मैंने तो बनाई है, मेरा बच्चा तो सबका बच्चा, मेरा अपना बच्चा तो प्यारा ही होता है। अपनी कोई दही कौन कट्टी बताएगा। मोइन कैसी लगी? दही कट्टी है। 10 out of 10। ओके फयाज कैसी है? एक शिफ्ट हो गया खत्म, एक शिफ्ट खत्म हो गया। वाह।
खाओ खाओ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1 और मुझे बनाना था एक ऑडिशन, तो मैं उसके लिए हो गई फटाफट रेडी। अभी जाके ऑडिशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी ये मेरा पूरा कमरा पड़ा है साफ करने के लिए फैलावा। तो बस फिलहाल आजकल वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से, थोड़ी देर के लिए भी मैं बैठ नहीं पाई हूँ, लेटना तो बहुत दूर की बात है। तो बस फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए गुंज व्लॉग्स, देखना ना भूलिए गुंज पे। थैंक यू सो मच, टाटा।